जी वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश। अपने अपने चार्ट को सामने डिस्प्ले करें। द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, कुछ बच्चों ने प्लांट सेल की भी डायग्राम बनाई है, बहुत अच्छी, एक्सीलेंट, वेल डन, शाबाश जी। ये देखें जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश, वेल डन, ब्रिलियंट बेटा। रमज़ान सईद जी, आदिल रहमान, यया तारिक, उस्मान खान, अब्दुल मोइज़, नाजिर अली, अब्दुल वहाब, एहसन खान जी। एहसन खान, आपकी डायग्राम थोड़ी सी फेड है, चलें, बहुत अच्छी कोशिश की है। अब्बास खान, अताउर रहमान, माशाल्लाह, अब्बास खान, आपने प्लांट सेल बनाए, बहुत ही अच्छे जी। राजा वजीफ़, वेल डन। मोहम्मद यासीन, एक्सीलेंट। इब्रार अहमद, मोहम्मद अली, वेल डन। ये बेटा आप अपना चार्ट सामने, शाबाश, वेल डन। ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है? प्लांट सेल जी, अच्छी कोशिश है जी, वेल डन, शाबाश। ये मोहम्मद उस्मान और उबैदुर रहमान, हारिस अवान और जैन अली, फरहान अली, मंसूर अयात जी, वेल डन। मोहम्मद जईम जी, शाकिरुल्ला, वेल डन, बहुत अच्छे जी। अरसलान खान, रुमान खान, बहुत अच्छी कोशिश है बेटा, शाबाश, वेल डन। ये समीर अहमद, माज अहमद, एहसन अली, वेल डन, शाबाश। उमर सजाद, अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला खान, और ये मोहम्मद अब्दुल्ला जी, वेल डन। इन बच्चों के ही हैं, चलें जी। ये अभी आपने यहाँ से चलना है, यहाँ से बेटा, यहाँ से रमज़ान बेटा, आप यहाँ से एंट्री, आप यहाँ से इंटर हो लान में, लान में इंटर हो जाएं, आप लाइन में बेटा, सारे और सामने आ जाए, सामने, बिल्कुल इसी तरह लाइन आप सामने बना दें शाबाश, डिसिप्लिन के साथ लाइन में, ये शाबाश। ये अपने अपने थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, शोर नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें आप, ताकि हर बच्चे का चार्ट प्रॉपरली डिस्प्ले हो, सामने नज़र आए जी। कुछ इधर हो जाएं, शाबाश जी। एहसन अली, आप अपने चार्ट को ओपन करें, डिस्प्ले करें, शाबाश जी, शाबाश। एक एक चार्ट को बहुत बारीक बीनी से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने माशाल्लाह चार्ट इतने खूबसूरत बनाए हैं कि मेरे लिए जज करना मुश्किल हो गया। थोड़ा सा समय दूर हो जाओ, सारे बच्चे भी नजर आएंगे चार्ट को भी। अच्छा, एक एक चार्ट उन्हें देखूंगा ना, उसके आगे चार्ट को भी फोकस कर। वेल डन, खुद बनाया, खुद बनाया, पक्की बात, एक ही बनाया। बहुत अच्छी कोशिश, आपने खुद बनाया, पेंसिल से बना के ऊपर से मार्कर की वो क्लियर हो ये। इस बच्चे को मैं यानी तरजीह बुनियाद पे
सकते हैं इधर आपको बाय उधर सेंटर में आप आ जाए आप बेटा लाइन में नजर आ रहा है वेलकम रिजवान सर सर बहुत अच्छा लड़कों ने काम किया जी आपने आप भी बहुत अच्छा सर आपने तीन पोजीशनें जो है सिलेक्ट कर ली है मेरी ठीक है सर दो बच्चों को मैंने कहा जी मैं आपको बताया हां जी और भी है आगे ठीक है सर माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क किया है सर तकरीबन सारे लड़कों ने ज़्यादातर लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है बेटा आप भी सामने करो क्या नाम है एहसन खान बहुत अच्छे तो आप जो हैं आप बहुत उम्दा हाजिर अली आप ही हम गौर करते हैं अभी आपको हम रेटिंग में रखते हैं ठीक है बहुत उम्दा काम किया अपनी कार को डिस्प्ले करके रखिए खुद बनाया सलमान शेडिंग थोड़ी सी कम की है बिल्कुल वाजी नहीं नजर आ रहा वाजी नजर आना चाहिए दोबारा अच्छी बात अब्बास खुद बनाए अच्छा ये किसी की हेल्प ले सकते हैं ये बनाने में ना ना खुद बनाए खुद बनाया खुद बनाया खुद बनाया किसी की हेल्प नहीं लेनी क्योंकि पेपर में इनको ये चीज बड़ी है हम जो सबसे अच्छे चार्ट ना जो मतलब अट्रैक्टिव होंगे उनको हम थोड़ा सा ज्यादा नफास करेंगे यानी उनको एक्चुअल कंपटीशन में ले जाएंगे फिर उनमें से उनकी जो उनमें से फिर आप फाइनल राउंड में उस बच्चे का जो है वो दोनों जो हैं वो साल में एक ही चार्ट पर अच्छा दोनों उसकी साइज कितना है इसको ये भी प्यारा है इसको भी दो बनाया मतलब सबसे पहले तो हम ये एक इसका क्लास पॉइंट ये होगा कि जिस बच्चे ने दोनों बनाए क्योंकि मेहनत दोनों पे की दोनों पे मेहनत आप भी जैसे बेटा थोड़ा सा बेटा दूर हो जाए उधर लाइन थोड़ी सी बना लेते एक ही बनाया हम जो आप उधर जाओ आपने भी एक ही बनाया काम किया नहीं है तो इनके बीच में आके खड़े हो गए एक ही बनाया बेटा अच्छा कोशिश अच्छी की है लेकिन चार्ट बड़ा अभ्यास करें ना इधर आ ना ओए इधर आ ओए ये भी बनाया ये कौन सा है आप आ थ्रू आउट पेंसिल से बनाया गया ये उसके पास पॉइंट ही है पेंसिल से पेंसिल से बनाया क्यों क्या हो जाएगा नहीं बेटा ये नहीं मजा नहीं आपने सेल की बाउंड्री को प्रोमिनेंट नहीं की वजह नहीं की लेकिन ये है कि कोशिश आपने अच्छी की है लेकिन काम ज़रा दिल से होना चाहिए हारे सब आप इसके बारे में सर क्या ख्याल है मुझे तो ये भी अट्रैक्ट कर रहा है सर अट्रैक्ट भी कर रहा है और ये साथ वाला जो लड़का है जैन इसका भी आप क्या एक बना बेटा भी चेक करेंगे गार्डन आप भी आ जाए आप भी इस रेस में शामिल आप बेटा लाइन में खड़े हो जाए बातें आप उसमें नहीं करनी है
और ये सर बड़ी फ्रूटफुल एक्टिविटी आपने इनके लिए की है माशाल्लाह। ये आता है कि युवा थे आर के बाद ये तो फिर देखें जब डिस्प्ले होगा तो एक ही चीज़ देखी जाएगी। मैंने कहा ना मैं बड़ी टीम से देखूँ आपका जब एडिंग ही सही नहीं होगा बेटा स्पेलिंग वाइज तो नीचे की तरफ जब नजर जाएगी ये मंसूर है आप ये आपने खुद बनाया तो बगैर तुमने अपना नाम का बगैर नाम जब आप लिखेंगे नाम आपका नाम में लिखा हो तो पता लगे किसका है ठीक है। ये भी टू आउट जो है पेंसिल से पेंसिल से और बहुत हफीज है कंपटीशन का हाँ जी हाँ हाँ ये बगैर ईलो जुत के शामिल होते हाँ अब सिलेक्शन आपके लिए मुश्किल होगी ना जैसे वन फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है और थर्ड कौन है और फास्ट जो है ये तो फास्ट बहुत अच्छा आ जाओ बेटा मेहनत की है खुद बनाया ना सारा सही कह रहे हो तुमने सब ने ज़्यादातर की अच्छी कोशिश की बहुत अब आप सोचना है आप चीज़ें बेटा वाजे नहीं है और तुमने भी एक इसमें कमी ये है ना कि पूरा सेल तो नज़र आ रहा है लेकिन इसमें जो ऑर्गेनाइज है वो प्रोमिनेंट नहीं है ना वाजे नहीं है क्लियर नहीं है आपने ये थोड़ा बन रही है कलर शलर करते ना अगर आपने मार्कर यूज़ कर ही लिया था तो कलर यूज़ करते डिफरेंट ऑर्गेनाइज को डिफरेंट कलर में अगर आप शो करते थोड़ा सा कम नहीं चलेगी अच्छी ये बातें नहीं बेटा ये लाइन में हो जाए सीधे पानी गिर गया अच्छी कोशिश है चलो आप कंपटीशन में आ जाओ हैं नहीं आना चाहते यस आप आ जाए कंपटीशन में कोशिश अच्छी की है बेटा लेकिन ये काम में सफाई नहीं है ठीक काम में सफाई नहीं है ये बेटा ये अब्दुल्ला खान ये बहुत खूबसूरती के साथ हैं आप आ जाए लाइन बिल्कुल स्ट्रेट करें जिनके पास चार्ज नहीं है और उसको स्पैन करें ना लाइन को खुले हो जाए ना बेटा अब जी आप भी थोड़ा सा ओपन हो जाए थोड़ा सा ओपन हो जाए पीछे हो जाए ताकि हम चार्ट को थोड़ा दूर से देखेंगे तो ज्यादा आइडिया होगा और जो चार्ट हमें शो से ही करवा रहा होगा कि यहां के तो से तो हम नहीं शो करेंगे वो दोनों ने जैसे रखना ही है तो थोड़ा से करवा रहा होगा सेम चार्ट को थोड़ा अच्छा बातों की आवाज ना आए और लाइट से ऊपर ये ज्यादा तक
तो थोड़ा सा खड़े होंगे आप, थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा आप, बेशक इनसे पीछे हो जाओ। अच्छा, इसके बाद जिसके दो बने सर रुमान, दो जिसके बने हुए हैं, ये है एक लड़का है, ये तो छोटे छोटे से बना दिए हैं ना, इसमें चार्ट चार्ट और थोड़ा सा छोटा, क्योंकि ये बेटा जब आपको चार्ट बनाने का कहा जाता है तो चार्ट कहीं पे डिस्प्ले करें, अब बेटा चार्ट पे ऊंचे लगते हैं। सुने ना, आपने मेहनत बहुत की है, लेकिन आपसे एक चीज रह गई है, आपने चार्ट का जो है वो छोटा टुकड़ा इस्तेमाल किया, पूरा चार्ट इस्तेमाल करते और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते तो ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट मिलता आपको। तो आपने फिर बनाई और बड़ी मेहनत की, ठीक है आप भी अब सर ये देखें बहुत दो दो बनाए हैं। अब मसला ये है की इन्हीं से अपॉइंट नहीं करते हैं, या इनमें से नहीं करते हैं, बाकी को भी उसमें शामिल करनी है ना, फिर उसमें से अब सर एक सेल में काम देखें, एक शहर में हम देखें अब्दुल्ला बिल्कुल सबसे पहले देखिए वन सेल स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो अब्दुल्ला का दूर से ही देखें, दूर से देखें तो एक तो एनिमल सेल हमने लिखा हुआ नजर आ कितना दूर, यानी तकरीबन, और उसका नाम खुद भी अपना नाम जो है वो भी, उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रीन आउट, उसके बाद अगर हम देखें तो उस्मान, यानी अगर देखें कलर्स नहीं है लेकिन लिहाज से, और जो उसने वो जो किया हुआ है शेड बनाया हुआ है साइड पे वो भी बहुत अच्छा है, शाबाश। उसके बाद आपको हमने जजेस में शामिल किया हुआ बेटा, हमने नहीं बोला, बनाया नहीं है और बातें कर रहे हैं क्या सर, इधर आ जाओ शाकिर उल्ला, इसके बाद शाकिर उल्ला का सेल जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप भी आ जाओ, इसके बाद सेम आपके सेल का मजा नहीं, एक तो चार्ट आपने बड़ा यूज किया लेकिन आपने डायग्राम छोटी बना दी, पूरे चार्ट को क्यों नहीं यूज किया,
हाँ ना बताया बेहतरीन है। अब देखो हम यहाँ से देख रहे हैं, पढ़ा नहीं जा रहा, आपने क्या लिखा है? अब ये देख रहे हैं पढ़ा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं पढ़ा नहीं जा रहा है। देखिए तावरमान को एनिमल सेल नजर आ रहा है, सेल बनाऊंगा नाम अपना क्या लिखा हुआ। ये ठीक है आप, ये तो बहुत मुश्किल काम हमारे लिए बना दिया आपने। ये जो है सर, अब ये तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन छांटी हो, अब हम ये छांटी हो चुकी है, इनको हम साइड करेंगे। अब बेटा आपने जरा सा दे करो, या तो आपने डिम किया हुआ है उसको जरा सा विजुअल हमें सही है, और यहाँ बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहली चीज आपने चार्ट होगा, हाँ छोटा किया होगा, अगर आपको हम कोई पोजीशन दे भी दें तो ये साथ बाकी बच्चों के साथ होगी कि आपका चार्ट डिस्प्ले करते हैं कि उतने छोटे चार्ट नहीं लगाए जाते। ठीक है, रुमान आपको भी यही मतलब है, छोटा चार्ट ये नहीं है, एक रजिस्टर के सभी जितना आपको चार्ट। और आपने बेटा देखो चार्ट फट गया, आपने चार्ट नहीं केयर नहीं, और दूसरा ये है कि आपने शौक गलत इस्तेमाल की लिखते वक्त, जी हाँ, और डायग्राम आपने एक तो नैरो कर दी है, छोटी कर दी, और दूसरा इसको टेढ़ा बना दिया। ये देखो अभी मोहम्मद अली इससे बनाया है, आपने पोर्ट्रेट पैटर्न में यूज़ किया इसने लैंडस्केप में, तो आप भी इस तरह कर सकते हो कि पूरे चार्ट पे चीज़ लिखी हुई और बनी हुई नजर आए। ठीक अब्दुल्ला आपकी भी बहुत अच्छी कोशिश, पर्सनली आई अप्रिशिएट, लेकिन बात वही है कि चार्ट का साइज छोटा और फिर ऊपर से लापरवाही की वजह से इसके ऊपर पानी गिरा दिया, तो रंग जो है वो सारे सही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कोशिश अच्छी है, आपकी कोशिश जो है वो रहना नहीं जाएगी, तो ये जाहिर है कंपटीशन में तो हर बच्चा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन इनाम तो तीन को ही मिलता है, उनमें भी हम देखेंगे बात है ना बेटा। ये जो पोजीशन होल्डर्स के लिए हमने सेलेक्ट किया वो बच्चे बिल्कुल थोड़ा सा सेपरेट इस तरह हो जाए, इस तरह, ये ताकि बाकी बच्चों को अब ऐसा ही है कि आप तो एक ही डिजाइन बना रहे हैं, आप एक तो सुधी डिजाइन बना रहे हैं, वो सामने हो जाएंगे आप बेटा, सीधा सामने हो जाए, ऐसे सामने हो जाए, सीधा हो जाए, बिल्कुल सीधा, हाँ क्या बात, आपको ऐसे हो गए, अच्छा बनाए। लेकिन अगर हम इसको दूर से देखें, अगर यहाँ से अगर हम खड़े होकर देखते हैं ना, तो फिर इसमें आपने जो पोर्शन इसके जाहिर किए हैं उसके नाम नहीं नजर आ रहे, अब आपके तो दूर से ही पता चलता है ना। एक और मैं आपको इस चार्ट में कमी बताऊं, ये आप इम्प्रूवमेंट के लिए है, इसमें आप आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मार्जिन लाइंस नहीं लिखाई है, तो इन बातों को आपने नेक्स्ट टाइम के लिए अपने ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई इस तरह का कंपटीशन दिया जाएगा तो चार्ट मेकिंग कंपटीशन में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो आपने ध्यान में रखनी है कि मार्जिन लाइंस नहीं है आप, ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी कोशिश आप लोगों ने की है, आप एक लाइन में आ जाए, सीधे खड़े हो, ये बासित अली आप एक जगह पे जाके बैठ जाए, ये बाकी बच्चों से भी बोले बैठ जाए, अब सर ये हमारे लिए थोड़ा सा कितने हो गए सर, बंदे सात है ना आपके पास, चार पाँच छः सात आठ बंदे हैं, आठ तो इनमें से तीन की सिलेक्शन बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि अब सब पे नज़र ठहर रही है, मुश्किल हो गई है हमारे। राजू जी आप आ गए, आपका चार्ट थोड़ा सा लाइट होने की वजह से और एक के ऊपर नाम ना होने की वजह से आप इसमें से निकल गए हैं। ठीक है, लेकिन हार नहीं, आप कोशिश बहुत अच्छी की है आप, अब ये देखें आप जुड़ गए, सब थोड़ा सा जब लगाएंगे तो पिछले वाला तो फिट आया है, आए यासीन आप भी आपकी मेहनत एक चार्ट पे एक डायग्राम से आया हो, अगर हम इसको डिस्प्ले कहीं करते हैं तो एक साइड आदमी छुप जाएगी, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी है, यानी कि ऑफिशियली आपका एक ही तस्वीर जाहिर होगी ना, जब लगाएंगे तो दूसरी तो गई, तो
तो वो उसको प्लस पॉइंट है जिसकी दोनों सामने होंगी, दोनों सामने होंगी या एक बाहर नहीं निकली और एक सलीके से एक उसमें सीक्वेंस में ये बेटा बेटा खामोशी जी। नाउ इट्स टाइम फॉर रिजल्ट। बहुत सोच विचार के बाद फैसला बिल आखिर आ गया। तो सबसे पहले हम थर्ड पोजीशन को अनाउंस करेंगे, सारे लाइन में आ जाएं। जब पोजीशन अनाउंस होगी तो फिर आप लोगों ने क्लैपिंग करनी है। सारे तो जो करें ना, मैं सबसे पहले तो कैश प्राइस को पहले हम काउंट करते हैं ताकि बच्चों में इंसाफ के साथ कैश प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके।
चलें जी आप बेटा खामोशी, रिजल्ट अनाउंस हम कर रहे हैं। तो इन बच्चों में से जो थर्ड पोजीशन हासिल की है, थर्ड पोजीशन दो बच्चों ने हासिल की है, ठीक है, थर्ड पोजीशन हासिल की है जी जैन अली और अताउर रहमान ने। क्लैपिंग करें इनके लिए, बेहतरीन बेटा। आप साइड पे आ, इसके बाद आपको इनाम देते हैं सारी पोजीशन अनाउंस करने के बाद। इसके बाद अब जो सेकंड पोजीशन दो बच्चों ने हासिल की है, सेकंड पोजीशन वो हैं जी थक थक। सेकंड पोजीशन जिन दो बच्चों